हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है उत्तराखंड का टूर कैसा हो सकता है? वो कहते हैं ना, अगर भगवान का कोई वास है तो उत्तराखंड में है। तो मैं निकल पड़ा हूँ उत्तराखंड के लिए। बाय मेट्रो मैं जाऊँगा कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से मैं बस लूँगा। और कितनी चैलेंजिंग होगी ये यात्रा तो आपको देखना है, तो जुड़े रहिए मेरे से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल संदीप जोन को। तो चलते हैं। तो मैंने कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो ले ली है। मैं मेट्रो में एंट्री कर गया और अब मैं कश्मीरी गेट के लिए निकल पड़ा हूँ। तो दोस्तों, मैं फाइनली पहुँच गया कश्मीरी गेट। यहाँ से मैं लूँगा बस, और ये मेरी बस जो मिलेगी ये मेरे को काफ़ी नज़दीक ही है। यहाँ से हरिद्वार के लिए मुझे बस मिलेगी, मेट्रो स्टेशन से बस स्टैंड काफ़ी सामने है SBT। तो फाइनली मैं मेट्रो से महाराणा प्रताप बस अड्डे SBT पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं बस लूँगा हरिद्वार के लिए। तो अब बस स्टैंड भी आपको एयरपोर्ट सा दिख रहा है। तो मैं बड़ी हड़बड़ी में पहुँचा हूँ यहाँ, और मेरे पास ये मेरे हाथ में देख रहे हैं हल्दीराम की भुजिया है, और मैं अभी बस पे बैठा हुआ हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और मेरी बस काफ़ी जल्दी यहाँ से 10 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होगी, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ बस में बैठने के बाद। मैं वैसे मेरी एक बस छूट गई थी 9:30 की, तो अब मैं 10 बजे वाली बस से निकल रहा हूँ। तो मेरी बस खुल गई है और मैं बस पे बैठा हुआ हूँ, और मेरी बस अब ये 10 बजे यहाँ से खुल गई है। मैं देखता हूँ हरिद्वार कितने बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो मेरी बस जो खुल गई है, तो मैं बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बाहर का नज़ारा। मैं जैसे पहुँचूँगा हरिद्वार तो आप लोगों को दिखाऊँगा हरिद्वार में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ हैं देखने को। पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, मंदिर हैं। बस के टिकट की बात अगर करते हैं तो नॉर्मली जो जनरल बस होती हैं वो आपको टिकट दिल्ली से हरिद्वार की 200 से 250 रुपये में मिल जाएंगी, और अगर आपको ऐसी बस चाहिए तो आपको 340 रुपये देने होंगे। वैसे मैंने भी 340 रुपये दिए हैं। और वॉल्वो वगैरह की आप बस लेते हैं तो आपको तकरीबन 650-650 के आसपास देना पड़ेगा। तो अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप आराम से ऐसी बस से जा सकते हैं 340 रुपये में, काफ़ी बेटर ऑप्शन है आपके पास। हरिद्वार के रास्ते में, और मैं अभी पहुंच गया हूं। आधी जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली है, तो हमारी गाड़ी यहां रुकी हुई है और मैं आपको दिखाता हूं। ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये सफ़ेद वाली अपनी जो 3371 है वो अपनी गाड़ी है, और यहाँ काफ़ी अच्छा टी कॉफ़ी भी आपको मिल रहा है, तो आप पी सकते हैं। मैंने तो पी लिया, और काफ़ी अच्छा यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ उतर के टी कॉफ़ी ले रहे हैं। तो चलते हैं। मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार। 10 बजे मैं चला था और अभी मैं हरिद्वार हूं। तो अब मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं। मैं कोई होटल वोटल पहले से बुक नहीं करा रखा था, तो अब मेरे को ऐसा है कि कोई होटल लेना पड़ेगा, तो मैं देखता हूं। ये मेरा बस और ये मेरा कमरा, ये मेरा बेड, और ये वो राधे राधे गेस्ट हाउस का कार्ड,
तो आप यहाँ आके आराम से रुक सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन के पास ही है, तो आप इजीली आके रह सकते हैं यहाँ, और काफ़ी रिजनेबल रेट में आपको ये कमरा मिल जाएगा। मेरे को ये कमरा 250 रुपये में मिल गया है, क्योंकि मेरे को लेट तक रुकना नहीं है। मैं यहाँ कुछ घंटे के लिए रुकाऊँगा, तो मुझे ये कमरा 250 रुपये में मिल गया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कमरा, तो ये देखिए 250 रुपये में ये टीवी भी लगा हुआ है, आप टीवी भी देख सकते हैं, आप बाथरूम देखें, ये टॉयलेट देखें, तो कुल में जल के 250 रुपये में तो यार अच्छा है। दिल्ली में तो आपको 250 रुपये में ऐसे कमरे कभी मिल नहीं सकते हैं, और हरिद्वार जैसे जगह में आपको 250 का अगर कमरा मिल रहा है तो मानना पड़ेगा। तो अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मैं सोता हूँ। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है और मैं गंगा स्नान के लिए जाऊँगा, तो मैं गंगा स्नान के टाइम आपको मिलता हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभी गंगा घाट जा रहा हूँ घूमने के लिए, मेरे कुछ दोस्त वहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो चलते हैं यार। तो दोस्तों, मेरा आज पहला दिन है उत्तराखंड में, और मैं अभी हूँ गंगा घाट पे, और आप देख रहे हैं ये शानदार नज़ारा। आप देख रहे हैं कितनी शांति है यहाँ, गंगा जी बह रही हैं और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो आपको आना चाहिए दोस्तों। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, और ऋषिकेश में हम राफ्टिंग करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं।